देश का पेट भरने वाले अन्नदाता के खेत भी अब सुरक्षित नहीं हैं। सेंध मारों के निशाने पर अब धान की फसल है। ताजा मामला सोनीपत के गांव दीपालपुर से सामने आया है, जहां जयेंद्र ने पुलिस को शिकायत में बताया कि उसने मुकेमपुर से मुरथल रोड पर पंचायती जमीन पट्टे पर लेकर धान की रोपाई कर रखी थी। फसल तैयार होने के बाद उसने धान की कटाई व छराई कराई गई और झड़े हुए धानों के खेतों में ही छोड़कर शाम को अपने घर आ गया था। लेकिन जब वो सुबह खेत में पहुंचा तो मजदूर खेत में मौजूद थे। उन्हें खेत में बने हुए कमरे में बंद किया गया था और जो धान की फसल खेत में पड़ी हुई थी वो गायब थी। उनका कहना था कि खेत में गाड़ी के टायरों के निशान हैं और एक एकड़ धान की फसल चोरी हो गई है। पुलिस ने फिलहाल अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हाँ, दीपालपुर गांव के किसान ने एक शिकायत दी है और शिकायत पर धान चोरी बाबत उन्होंने शिकायत दी है, जो जिस पर FIR लॉज हो गई है और FIR लॉज होने के पश्चात जल्दी से जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा और जो समाधान होगा वो कर दिया जाएगा। जांच जारी है। बताया ये भी जा रहा है कि चोरों ने पहले खेत में बने कमरे में मजदूरों को बंद किया और उसके बाद खेत से तैयार फसल की चोरी की है। हालांकि पुलिस आरोपियों को पकड़ने के दावे तो कर रही है, अब देखना ये होगा कि कितनी जल्दी पुलिस आरोपियों तक पहुंच पाती है। सोनीपत से सनी मलिक, पंजाब की सिटी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।